बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्लास 9 में फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनका, आप ये सोचते होंगे कि इनका आंसर आया है तो कैसे आया। बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं कि भाई आंसर कैसे लेकर आएँ। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी और इनको सॉल्व करना बताऊंगी कि आपने कैसे सॉल्व करके अपना आंसर लेकर आना है। जी हाँ, अगर आप देखें तो ये गौर से देखिए तो ये पहले वाला जो है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर 3, 6, 7, 9। आपको पता है बेस यूनिट्स कितने हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी 7 की 7 बेस यूनिट्स लिखी हैं। आपको पता है बेस यूनिट्स वो होते हैं जो कि किसी की बेसिस पर नहीं होते, डिराइव नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर गिने। तो आप इसे काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है 1। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 7। आप यहाँ पर 7 को मार्क करेंगे। जी हाँ जी, विच ऑफ़ द फॉलोइंग, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो है लेंथ, मास, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनको अगर आप सामने रखें तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, पास्कल जो है वो प्रेशर का होता है जो कि ड्राइव यूनिट है, न्यूटन जो है फोर्स का होता है वो भी ड्राइव यूनिट है, वॉट जो है वो पावर का होता है, पी, आप सारे ऑप्शंस देखें, अगर पास्कल जो है, पास्कल है प्रेशर का जो कि होता है पी ए, जो कि जिसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला अगर आप देखें, ये जो है न्यूटन और मीटर दो यूनिट से मिलकर बना है, यानी कि यह ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। किलोग्राम वाले को देखें, केजी ये हो सकता है, क्योंकि देखें ये मैस का ऑप्शन है हमारे पास, मैस जो है वो केजीज में होता है, तो इसीलिए ये केजीज वाला आंसर हमारा करेक्ट है। थर्ड वाले पे जाएं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इन मेजर इज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। आपको पता है कि अगर हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो होता है 6.022 × 10⁻²³, तो ये होते हैं जी मोल्स। मोल्स हमारे लिए मोस्टली MOL में कैलकुलेट होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन मोल वाला करेक्ट होगा। एन इंटरनल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये जो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁶। अब आप यहाँ पर देखें 10⁻⁶ हो सकता है, हाँ जी, लेकिन 200 भी तो लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगी 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻⁴, क्योंकि ये जो है 2 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ प्लस माइनस माइनस 2 × 10⁻⁴ सेकेंड्स होंगे, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी, आपको पता है कि ये जो है नैनोग्राम, ये मिलीग्राम है, मिली जो होता है 10⁻³ होता है, 0.01 ग्राम ये तो है ही बड़ा, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, नैनो 10⁻⁹ होता है। आपको पता है कि जितनी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगे वो उतनी ही छोटी हो जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये है। Which instrument is most suitable to measure the diameter of the test tube? आपको पता है most accuracy के साथ diameter जो है vernier calipers accurately हमें कर सकते हैं। A student claimed the diameter is this using the vernier calipers, up to what extent do you agree with it? इसका मतलब ये है कि एक student जो है वो कहता है wire का diameter ये है, आपको क्या लगता है कि इसमें accuracy कितनी होगी? आपको precision और एक्यूरेसी का पता होगा, अगर जितनी प्रिसिशन होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी, एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी प्रिसिशन उतनी कम होगी, लेकिन जो हमारे पास लास्ट डिजिट हैं वो मोस्टली डाउटफुल होते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट टू डिजिट होते हैं वो हमारे पास हमेशा कंसिडर होते हैं, इसीलिए हम ये वाला करेक्ट करेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द
मास, एरिया या तो फिर वॉल्यूम या लेवल ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम हम करते हैं पाउडर्ड फॉर्म चीज़ों का। आ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। उसने कहा कि एक स्क्रू गेज से एक स्टूडेंट ने ग्लास शीट, यानी ग्लास शीट आपको पता है कि शीशे की एक पतली सी चादर का, उसने डायमीटर मेजर किया है ऑन द वर्नियर कैलिपर, इट रीड्स थर्ड डिवीजन वाइल द एट डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन। आपको पता होगा थर्ड डिवीजन को आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग नोट करने, स्क्रू गेज की रीडिंग नोट करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। थर्ड डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड एट डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, क्योंकि थर्ड डिवीज़न चूँकि मेन स्केल पे थी तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इन मीटर्स, 0.03 हो जाएगी। आपने इसमें फिर प्लस करनी है एट डिवीज़न, तो इसलिए आंसर आएगा 3.08। देख सकते हैं 3.08 मिलीमीटर आ गया। ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर All the digits, all the accurately known digits, all the accurately, आपने जैसे कि इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, all the accurately known digits and the first doubtful digits are called significant figures. Hope you will like and subscribe my channel, study the articles by Mary. Thank you for watching. We will come with next video, inshallah, with more, some more in facts. अब हम अपनी next video में problems discuss करेंगे, first chapter के physics की class 9th के problems discuss करेंगे. Thank you.